तो कुछ दिन पहले आपके साथ एक रिसर्च की थी जिसमें लोग जो हैं अमेरिका की एक स्टेट में वहाँ पर आपस में लड़ झगड़ कर जो नए साल का आगाज़ करते हैं, ऐसा जनाब एक और जगह भी होता है, वो लड़ झगड़ कर नहीं होता बल्कि वो ठंडे पानी में कूद कर जो है नए साल का आगाज़ करते हैं। और ये कहाँ पर होता है जनाब? अगर आपको कोई मनफी 4 डिग्री पर कहे कि आप सख्त सर्दी में जाकर ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डुबकी लगा दें, आपका क्या रद्दअमल होगा? सोचने वाली बात है, मैं तो सोच के मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा जनाब, मशरकी भारत में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए इस तरह की कुछ रस्म अदा की जाती है और 1997 में ये चैलेंज शुरू हुआ था जो बाद में अब एक रस्म की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और अब नौजवान जो ऐसे बड़ी खुशी खुशी अदा करते हैं। पिक्चर देख कर ही मुझे कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, इसमें आप डुबकी लगा दें। अच्छा जनाब, 24 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर हर साल जो है नए साल को खुशामदीद कहने के लिए स्विमिंग पूल में तैराकी का मुजाहरा करते हैं और इसमें 1997 में जब ये आगाज़ हुआ था तो एक खातून भी इनमें शामिल थी। रात 12 बजने के करीब जब काउंटडाउन शुरू होता है तो यहाँ पर नौजवान जो है इस बर्फीले स्विमिंग पूल में छलांगे मारते हैं और इसके बाद फिर वो अपनी तस्वीर आप इस तरह से शेयर कर रहे होते हैं और वो छलांग मार के नए साल को खुशामदीद कहते हैं और ये वहाँ का एक कल्चर, एक रस्म बन चुकी है जहाँ पर लोग जाते हैं और इस तरह से नए साल को खुशामदीद कहते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक जो पानी का टेम्परेचर है वो तकरीबन -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस होटल इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब 10 साल कबल ये बात डिसाइड हो गई थी कि हर साल जैसे जैसे साल गुजरेगा इसमें आधा टन जो बर्फ़ है वो मज़ीद ऐड की जाएगी और बढ़ाकर ये जो रस्म है हर साल अदा की जाएगी और ये आप अपनी तस्वीर में भी टीवी पर देख सकते हैं। अच्छा जहाँ बड़ा अनोखी सी बात है, मतलब लोगों की कोई समझ नहीं आती कौन कैसे क्या मना रहा है। नया साल मनाने के लिए बर्फ़ है, बंदा फ्रीज होके निकले बाहर, -4 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत सर्दी होती है।